फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक। और दोस्तों, जैसा कि नाम से पता है कि फिट रहेगा इंडिया, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप फिट रहें, आपको बीमारी कोई ना हो, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहे। तो बूस्टअप करने के लिए इम्यूनिटी, हम आज आपको बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन से आसन आपको करने हैं। और ये हमें बताने के लिए ज्योति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, योगा ट्रेनर हैं। हाय ज्योति। हेलो ज्योति, आज हम बूस्टअप के लिए करने वाले हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, जो लोगों की इम्यूनिटी इतनी घट गई है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो गलत लाइफस्टाइल है। और गलत लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी ब्रीदिंग की जो हैबिट है वो गलत है। तो हम ब्रीदिंग हैबिट को अपनी ठीक करेंगे। तो शुरू करें? जी चलिए शुरुआत करें। जी, तो हमारी शुरुआत होगी व्हाट इज़ द राइट ब्रीदिंग, सही तरीका क्या है सांस लेने का। तो सांस लेने का सही तरीका ये है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फूलती है, एक्सटेंड होता है हमारा रिब केज और हमारी स्पाइन। तो जब इनहेल करेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, तो इस तरीके से सांस जो हमारी बॉडी है इस तरीके से फूलती है। बट मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो उनकी जो बॉडी है, जो रिब केज है उनका, जो स्टमक है उनका, वो अंदर की तरफ जाता है। तो वो जो ब्रीदिंग है वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो रही है। जी, तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेली ब्रीदिंग की। तो जो सही तरीका है अपनी सांसों को सही करने का वो बेली ब्रीदिंग है। तो बेली ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो बेली ब्रीदिंग के लिए पहले हम सांस को अंदर भरेंगे, इनहेल करेंगे बहुत ही डीपली, धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी एयर को लेके जाएंगे अंदर, मैक्सिमम जितना देर तक हम इसको लेके जा सकते हैं इस तरीके से। और हमारा स्टमक बाहर आएगा, देन हमारा चेस्ट बाहर आएगा। फिर जब हमें सांस छोड़नी है तो धीरे धीरे करके कम्प्लीटली अपने चेस्ट को और अपने स्टमक को हमें खाली करना है इस तरीके से। मैक्सिमम अंदर लेके जाइए अपने पेट को, जितना अंदर आप लेके जा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं साथ में, ठीक है? इनहेल करेंगे, सांस अंदर भरेंगे और पेट को हमें बाहर फुलाना है, ठीक है? कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हुए हमारी आंखें जो हैं वो हमेशा बंद रहेंगी। तो आंखें बंद करके सांस अंदर भरेंगे इस तरीके से, पेट बाहर आएगा हमारा, चेस्ट भी बाहर आएगा, और धीरे धीरे करके सांसों को छोड़िए और पेट को अंदर की तरफ खींचिए, ताकि कम्प्लीटली हमारा जो स्टमक है वो खाली हो जाए और हमारा चेस्ट भी खाली हो जाए। फिर से इनहेल करिए, पेट को बाहर निकालिए, अच्छी तरीके से सांस को पूरी तरह से अंदर भरिए और पूरी तरीके से अपने बॉडी को, अपने स्टमक और चेस्ट को खाली कर दीजिए। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर था वो सारा हमने एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। जी, और ज्योति, क्योंकि हम जिस तरह ये प्रोसेस कर रही हैं तो लगभग शायद यही वो प्रोसेस है जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। जी बिल्कुल। जी, हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड है वो ऑक्सीजन है। जब हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। तो ये हमारी प्राइमरी नीड है। और ये हमें कितनी देर करना होता है? जी, इसके आप रिपीट्स कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। आप चाहें तो घंटे भर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी इम्यूनिटी अगर आप बूस्टअप करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और आपको खुद को अंदर से मजबूती फील होने लगती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट आसन करते हैं। जी, नेक्स्ट जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है, वो है नाड़ी शोधन। जी, तो नाड़ी शोधन का मतलब होता है नाड़ियों की सफाई करना। तो हम लोग नाड़ी शोधन कैसे करेंगे, पहले अपने राइट हैंड के, दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे लीजिए, जॉइंट करिए और अपने फोरहेड पे इस तरीके से रखिए। अब यहाँ से अपने थंब को यूज़ करके अपनी राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। एक्सहेल करेंगे, पहले सांस को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, अपने स्टमक और चेस्ट को पूरी तरह से खाली कर दीजिए, और अब सांस को अंदर भरेंगे सेम नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल से,
इनहेल करने के बाद चेंज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, अपनी रिंग फिंगर से बंद कर दीजिए और राइट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए बाहर की तरफ कम्प्लीटली। अपने स्टमक और चेस्ट को खाली करिए। अब इनहेल करेंगे फिर से सेम नॉस्ट्रिल से, अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और एक्सहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इस तरीके से इसका रिपीटेशन हम करते रहेंगे। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम इसकी शुरुआत करते हैं हमेशा राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम शुरुआत करेंगे, हमेशा एक्सहेलेशन से शुरुआत होती है किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। जब हम शुरुआत करते हैं तो सांस छोड़ के शुरुआत होती है उसकी। और ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जी पहले हमारे अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, हमारा बॉडी एक बार क्लीन हो जाए और हम कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम सांस को अच्छी तरीके से अंदर भरें। जी ज्योति, चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और करते हैं। जी बिल्कुल जी। तीसरा जो है हमारा वो है ब्राह्मणी प्राणायाम। तो हम ब्राह्मणी की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, साथ ही साथ ये मेडिटेशन भी है जो पूरी तरीके से आपके ब्रेन पे वर्क करेगा। तो शुरू करें जी। तो ब्राह्मणी के लिए पहले अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को जॉइंट करिए, चारों फिंगर्स को पूरी तरह से जॉइंट कर लीजिए। अब इनको अपने हेड के ऊपर रखिए इस तरीके से जी। अपने थम्स को यूज़ करेंगे हम अपने कानों को बंद करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम सांस छोड़ेंगे, जैसे कि हम मैंने अभी बताया कि हम हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पहले सांस छोड़ते हैं जी। तो सांस छोड़िए, अब अपने कानों को बंद कर लीजिए और सांस अंदर भरिए। अब एक भंवरे जैसी आवाज़ अपने गले से निकालते हुए मैं सांस को छोड़ना है इस तरीके से। फिर से सांस भरिए, जैसे हमने वो भंवरे जैसी आवाज़ निकालते हुए सांस को छोड़ा, उसके बाद हमारा पूरा जो बॉडी है वो खाली हो गया। फिर से वहाँ से ही हमने सांस भरी अंदर, पेट को फुलाया, चेस्ट को फुलाया और उसके बाद वहाँ फिर से एक्सहेलेशन शुरू करेंगे। इसी तरीके से इसके रिपीट हम कर सकते हैं, 10 से 15 रिपीट इसके कर लीजिए। तो इम्यूनिटी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बूस्टअप हो, बढ़े, उसके लिए आपको ये प्राणायाम करने हैं। और प्राणायाम किस तरह से आपके मन को भी शांति देगा, मेडिटेशन भी एक तरह से आपका होगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ेगी। ज्योति, 3 प्राणायाम आज आपने हमें बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।